अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में, और मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीखने वाले हैं डीकैल्स के बारे में। डीकैल्स को हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं सब्सटेंस पेंटर के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली डीकेल्स होते क्या हैं, डीकेल्स समझ सकते हैं कि आप मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूं। समझ लीजिए कि डीकेल्स जो होते हैं वो एक तरह के स्टिकर्स की तरह होते हैं, जैसे हम लोग बचपन में स्टिकर्स लगाते थे। तो समझ लीजिए टेक्सचर का वो स्टिकर होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मेरे ख्याल से इससे इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। समझ लीजिए टेक्सचर का स्टिकर तो कैसे होता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने प्यारे मेगा स्कैन्स में चले जाएंगे, मेगा स्कैन्स। और यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ यहाँ पे डीकेल्स के भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ये रहे आपके डीकेल्स, डीकेल्स पे क्लिक किया और यहाँ आप देख सकते हैं कई तरह के डीकेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। तो कैसे करते हैं, सब उसके लिए ये वाला हम लोग यहाँ पे टेक्सचर, कॉन्क्रीट का टेक्सचर बना रहे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्क्रीट में जाते हैं और आपको बहुत तरह के डीकेल्स आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। आप देख सकते हैं डीकेल्स क्या होते हैं, ये बेसिकली स्टिकर होते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ डिकेल्स को यूज़ करने वाला हूँ। हाँ, सपोज़ ये वाला मैं करता हूँ, एक डैमेज टाइप का, ऐसा लगे कि ये वाला कुछ डैमेज है, टूट गया है। तो इसको हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आप यहाँ चल जाएँ गियर आइकॉन में, और हमें क्या क्या चाहिए, एल्बिडो, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, मेटलनेस की हमें इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर मैं बैग जाता हूँ एक बार, इसमें मेटल जैसा कुछ है नहीं, कि एक बस एक रॉड है, लेकिन ये रॉड भी देखिए पूरा जंग खाया हुआ है, तो इसे मेटलनेस की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग मेटलनेस को इग्नोर ही करते हैं, रफनेस है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप डीकेल्स को यूज़ कर रहे हैं, ऑलवेज 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 ओपेसिटी ले कर रहे हैं, ओपेसिटी को चेक ऑन कर दें, ओनली डीकेल्स के केस में। टेक्सचर के केस में आपको ओपेसिटी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप डिकेल्स के लिए काम करें तो आप हमेशा ओपेसिटी लेकर काम करें। तो ये होने के बाद हम लोग यहाँ से बैक जाते हैं और यहाँ से कर देते हैं डाउनलोड, इसे भी हम लोग यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये आ गया। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये है हमारा कलर मैप, ये डिस्प्लेसमेंट है, नॉर्मल है, ओपेसिटी है, और यहाँ पे रफनेस है। तो इन्हें हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबको हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, सब्सटेंस लेकर गए, ध्यान देने की बात है। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जो एल्बिडो है उसे हम लोग को करना है टेक्सचर, डिस्प्लेसमेंट को टेक्सचर, नॉर्मल को टेक्सचर, बट ओपेसिटी को कभी टेक्सचर में मत करना। ये बात को अच्छे से समझ लीजिए, जितने भी सारे मैप्स हैं उनको टेक्सचर में करिएगा, बट ओपेसिटी को टेक्सचर में नहीं बल्कि अल्फा में, क्योंकि ओपेसिटी ब्लैक एंड व्हाइट वाला है, इसे हम लोग अल्फा में रखेंगे। रफनेस ये नॉर्मल टेक्सचर में जाएगा, ओपेसिटी ऑलवेज अल्फा में। अगर ओपेसिटी अल्फा में नहीं है तो ये जो आप इफेक्ट देख रहे हैं ना, ये यहाँ से जो ऐसे कटा हुआ इफेक्ट है ये नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो हम लोग ने इसे अल्फा में कर दिया, करंट सेशन में मैं इसे करता हूँ और इसे इम्पोर्ट करता हूँ। तो ये हमारा आ गया। तो इसे हम लोग कैसे यूज़ करते हैं मैं वो आपको बताऊंगा। सपोज मैं चाहता हूँ कि जो क्रैक वाला है ना वो इस जगह पे आ जाए, तो हम लोग करेंगे क्या, एक नया सा एक लेयर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा लेयर, इसमें हम लोग को क्या करना है, एक एक करके सारे टेक्सचर को आप डालिए, ठीक है। ये आ गया, उसके बाद हाइट है, हाइट में आ गया, और यहाँ से रफनेस है, रफनेस आ गया, और हमारे पास नॉर्मल है, नॉर्मल भी आ गया हमारे पास, ठीक है। और ओपेसिटी को हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। तो अभी देखिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर आप ओपेसिटी को डायरेक्ट आप डाल रहे हैं जिस ड्रैग एंड ड्रॉप करके, तो आप देख सकते हैं ये पूरा खाली कर दे रहा है, देख रहे हैं, हमें ऐसा नहीं चाहिए था। तो इसका लिए क्या होता है, एक अलग सा एक ट्रिक होता है जो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। क्या ट्रिक है, बस इसे हम लोग पहले कट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम लोग ब्रश लेते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा ब्रश, यानी कि पेंट लेयर हम ले लिया यहाँ पे। अब इसमें क्या करेंगे, पेंट लेयर में हम लोग एक एक चीज़ को डालेंगे, लाइक बेस कलर, हाइट एंड रफनेस, और यहाँ से आ गया हमारा नॉर्मल, और बाकी जो चीज़ें मेटल वेटल उनको हम लोग ऑफ कर देते हैं।
बहुत गौर करने की बात है कि अभी हम लोगों ने क्या किया, फिल लेयर के बजाय पेंट लेयर को लिया है, और हम लोग क्या करते हैं, साइज बड़ा ऐसे करते हैं और यहाँ पे पेंट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमें किस तरह का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं आप। और इसमें लिए हम लोग क्या करें, यहाँ जो अल्फा है ना, ये वाला अल्फा यूज करेंगे, ठीक है। अभी देखिए आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली ओपेसिटी के बजाय हम लोगों ने ओपेसिटी वाला जो चैनल था उसे हम लोगों ने क्या किया, चैनल में नहीं डाल के बल्कि अल्फा में डाला है। और ये अल्फा में डालने का जो टेक्निक है वो पॉसिबल हो पाया है क्योंकि हमने पेंट लेयर लिया था। अगर आप फिल लेयर लेते तो आपको ये अल्फा वाला ऑप्शन नहीं मिलता। तो बहुत ध्यान रखें कि आपको अगर ऐसा कोई अल्फा का यूज़ करना है कोई डिकेल्स के लिए, तो आपको क्या करना है, इसे पेंट लेयर लेके ओपेसिटी में डालना है। तो अभी आपको जहाँ भी ऐसे कुछ लगाना है, ऐसे आपको दिखाना है कि ये कुछ टूट फूट गया है, बस इसको यहाँ से करीब मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये लग सके। ये थोड़ा बड़ा हो रहा है साइज में, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ करीब ये वाला, ताकि ऐसा लगे कि हाँ ये यहाँ पे टूट गया है, ये टूट गया है और यहाँ से ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। अच्छा, और भी एक काम कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे चल जाऊँ इस जगह पे मटेरियल और यहाँ पे कर देता हूँ हाइट, ठीक है, तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे जाएंगे, लेवल्स में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे हाइट। अभी इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसको थोड़ा अगर आप एडजस्ट करेंगे ना, आपको इसे ब्लैक एंड वाइट में एडजस्ट करना है। अगर ये करके थोड़ा सा हमने लेवल्स को एडजस्ट किया, अभी देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये इसमें कुछ हमें इफ़ेक्ट दिखने को मिल रहा है, जो कि इफ़ेक्ट सही नहीं है, बेसिकली ये उल्टा हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला देखिए, अभी ये ठीक लग रहा है कि ये बिल्कुल अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये धस रहा है अंदर की तरफ में। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।